तो आज के वीडियो के अंदर हम कलेक्ट करने वाले हैं एक सिंपल सा वुड का टुकड़ा, लेकिन ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हमने माइनक्राफ्ट का पूरा उल्टा कर दिया है। हमें डायरेक्टली आउटर आइलैंड में स्पॉन किया गया है एंड यहाँ से सरवाइव करते करते हमें ओवर वर्ल्ड के अंदर जाना है। एंड या ये एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट नहीं है, इसके अंदर और भी काफी सारे चैलेंजेस है। तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज लाइक जरूर से करना। एंड अभी ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है आउटर आइलैंड के अंदर से। एंड ये वाले शेडर्स के अंदर तो भाई ये दुनिया और भी ज्यादा भयंकर लग रही है। वैसे यहाँ पर काफी सारे खतरनाक खतरे होने वाले हैं जो आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पर काफी सारे कोरस फ्रूट है, तो इसको खा के हम अपना गुजारा तो कर ही सकते हैं यार। वैसे ये चैलेंज सुनने में जितना ज्यादा आसान लग रहा है उतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसको बस आप लोग एक एग्जांपल से समझ लो कि यहाँ पर क्राफ्टिंग करने के लिए मेरे पास वुड भी नहीं है। बाकी ये अच्छी बात है कि हमें एंटिटी के पास ही स्पॉन किया गया है, वरना अगर दूर करते तो भाई यहाँ पर हम पत्थर भी थोड़ने के लायक नहीं थे, तो वैसे ही मर जाने थे। वैसे यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा वरना सलकर उड़ा उड़ा के मारे गए। एंड एक तो यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एंड सिटी के ये वाले स्टेट से ऊपर जाऊंगा। हाँ, बस इसी वजह से मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद यार ये। मेरे ख्याल से ये वाले स्लैब को ना हमें तोड़ना। अबे तेरी एसी की देसी यार। एक तो ये सलकर सेल साथ भाई पूरा बदला लेने वाले हैं, इतनी गारंटी है। अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं जमीन पे वापस आ जाऊंगा, एंड अगर नहीं खाऊंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा यार। हद तो दी है भाई, क्या करूं यहाँ पर मैं। ओके, मैं इस तरीके से मैं भी ऊपर जा सकता हूँ यार। काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता चूज करा है भाई मैंने। अंदर चलते भाई फटाफट। मेरे ख्याल से यार शेडर्स को ना बंद कर देना चाहिए, इससे थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। भाई साहब अगर मैं रुका ना यार तो ये सारा मेरे को मिलकर मार देगा। लो मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। नहीं मरेगा यार, मेरे हाथों में इतना दम नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई मत आना, कोई मत आना प्लीज, मैं यहाँ पर हूँ। ओ भाई भाई यार। ओके, यहाँ से पीकेस है, आ रहा है भाई, संभल के निकालनी पड़ेगी सारी चीजें यार। सीरियसली आज तक इतना ज्यादा नहीं डरा भाई, इतना तो वार्डन से भी डर नहीं लगता। भाई साहब यार पीछे से कोई ना आ जाए बस इस बात का डर है, क्योंकि ये घूम के कहीं से भी आ जाते हैं यार। ये चेस्ट में से एक सोवल भी मिल गया, सही है भाई, चलो कुछ तो मिला। वैसे अगर मैं कॉर्नर फ्रूट को खाता हूँ ना यार तो ये मेरे को नीचे टेलीपोर्ट कर दे, जो बहुत ही भाई हद होती है मेरे भाई, क्या करूं भाई मैं। सीरियसली एक फ्रूट खाता हूँ एंड सीधा नीचे टेलीपोर्ट कर देते हैं यार, एंड नहीं खाऊंगा तो वैसे भी मर जाऊंगा। दोनों ही तरफ से अपनी लगी पड़ी है आज तो। मेरे ख्याल से ना यार इसका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए तो हम जिधर देखे ना उधर ही टेलीपोर्ट कर दे। अभी फिलहाल मेरे को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार मेरे पास एक चड्डी है तो थोड़ा बहुत बचाव तो हो ही जाएगा यार। एंड सिटी को लूटना इतना ज्यादा मुश्किल होगा कभी सोचा भी नहीं था। लेट्स गो यार, हम ऊपर तो आ चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नीचे जाना ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ना यार एक चेस्ट है, मैंने देखा था, रुक जाओ जरा। ये रहा बस अभी फिलहाल। अबे यार भाई एक सेकंड शांति ना लेने दे रहे भाई ये मेरे को। अगर नीचे टेलीपोर्ट कर भाई, किधर कर दिया यार। लेट्स गो, अभी फटाफट नीचे चलते हैं यार। इसको मारो पहले तो, मर जा। नहीं मरेगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ से सामान उठाते हैं एंड निकल लेते हैं। भाई थोड़ा सा कूल बन जाओ यार, बस सामान ही तो ले रहा हूँ यार, खाना पड़ेगा भाई यार। वैसे मेरे पास नहीं यार गाइस अभी फिलहाल पीकेक्स है, तो आई थिंक हमें थोड़े से ब्लॉक्स इकट्ठा करके ऊपर जाना चाहिए। मैं भी यार इतने काफी रहने वाले हैं, इसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 50। अबे ये किधर से आया भाई। मेरे ख्याल से यार हमें ना थोड़े से और ब्लॉक इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ऊपर चढ़ने के बाद फिर तो वो सारे ब्लॉक वेस्ट ही हो जाएंगे वरना तो। ओके, अभी ऊपर चढ़ने का स्टार्ट करते हैं, बस कोई सलकर आके टप्पा ना कर दे। लेट्स गो यार, ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी इफेक्ट तो मिल ही जाता। भाई सारी मेहनत पानी में चली गई यार। अभी ना यार मैंने पक्का डिसाइड कर लिया है कि ये कोरस फ्रूट को ना मैं तभी खाऊंगा जब बिल्कुल ना यार मौत पे भारी आ जाएगी, उससे पहले इसको मैं खाने नहीं वाला। आजा बच्चे, पहले तू आजा, चल निकल। भाई ऐसे कहाँ से उड़ के आ जाते ना, पता भी नहीं चलता। ये तो लूटा हुआ यार। वैसे अगर ये रैंडमली टेलीपोर्ट करता है तो कभी अच्छी जगह पर कर दिया। वैसे ये कोरस फ्रूट यार इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है जितना ज्यादा बुरा मैं इसको सोच रहा था, अगर सही से यूज करो तो बढ़िया ही है। बाकी अभी तुम्हारे भाई को आदत हो चुकी है कि यहाँ पर किस तरीके से जिंदा रहना है। सिंपल सी बात है, सलकर सेल से पंगे ना लो, जो मिले उसको उठा लो एंड यहाँ से निकल लो। इतना बढ़िया आइडिया है ना, एंड इसको खाओ एंड भाई ये मरवाएगा, ये पक्का मेरे को मरवाएगा यार, मैंने खा इसकी तारीफ करी। बाकी अभी ना यार मैं सोच रहा हूँ कि एंड शिप में से जाके पहले लूट ले आते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, उसके लिए पहले थोड़े पत्थर चाहिए। लेकिन हाँ लेट्स गो यार, अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं, होप करते हैं कि इतने कम ना पड़े।
ओके कूल कूल यार, बस मैं थोड़ा लूट ही तो कर रहा हूँ। अगर एक भी टच हो गया ना, बचने की कोई उम्मीद नहीं है यहाँ से। हाँ ओके भाई साहब, अभी इसको फटाफट तोड़ो, यहाँ पर थोड़ा आके मैं सेफ फील करता हूँ, लेकिन अब ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कम ऑन यार, मर भी जाए यार। टेलीपोर्ट ही हो गया, कोई ना, अच्छी बात है। यहाँ से इलाइटर उठाए गए, यहाँ से हेलमेट भी मिल गया, चलो ठीक है। बाकी सोचो अगर मैंने ये वाला पहन लिया होता तो भाई स्कैम हो जाना था अभी। वैसे मैं ये पोशन को कभी अपने साथ कैरी नहीं करता, लेकिन मेरे को लगता है कि आज इनकी जरूरत पड़ सकती है। वैसे सच बताओ ना यार, तो अभी मेरे को ये काम करने में थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा है। यहाँ पर एक चेस्ट है, इसको तोड़ो एंड यहाँ से लूट को उठा लो, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे अभी मेरे पास इलाइट रहे तो गिनने का भी कोई डर नहीं बचा। ओके यहाँ से हमें कुछ अगर अच्छा मिल जाए तो सही है, लेकिन पहले इनसे निपटना पड़ेगा यार, कितने सारे आते हैं ना वैसे। ओके फाइनली एक शॉट मिल गया, सही है भाई। प्रोटेक्शन 3 का हेलमेट एंड पेंट भी भाई बढ़िया वाला है। मेरे ख्याल से यार अभी हम एंडर ड्रैगन से फाइटिंग करने के लायक तो बन चुके हैं। यहाँ से अगर बो मिल जाता तो सही रहता, लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ से मिलता है। हाला जी क्या हालचाल? लगता है हालचाल बहुत ज्यादा बुरे हैं। बस अभी ना ये वाला एक हिस्सा बचा है, इसको भी देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो सही है। वैसे अभी हमारे पास ना यार स्वॉर्ड है, तो डरने की जरूरत ही है। सलकर से इसको है, रोजा किधर भागता है। अब इसकी जाके चटनी बना। ओ भाई साहब यहाँ पर काफी सारे हैं यार, सीरियसली यहाँ से निकलो 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 निकलो, बच गया। भाई साहब कोरस फ्रूट ने जान बचा लिया। भाई साहब यार मेरा पूरी की पूरी एंड सिटी के बैट बजा के रख दी है, कहाँ से छेद करे ना ये मेरे को खुद का नहीं पता। इसके अंदर से थोड़ा सोना मिल गया, एक और स्वॉर्ड है, दोनों रख लेते हैं। बाकी यहाँ से ना गाइस मैं पिछले 1.5 घंटे से लूट कर रहा हूँ, मैंने इतने बड़े एंशिएंट सिटी को लूटने में मेरे को 1.5 मिनट भी ना होता। थोड़ा लेट हो गया भाई साहब, दोनों के दोनों पोशन यहीं पर खत्म हो गए। लगा था कि एंडर ड्रैगन से फाइट करते टाइम पे पीऊंगा। वैसे गाइस सल्फर सेल्स का स्पॉन होने का ना अलग ही टाइप का फंक्शन है, इनको आप लोग जितना मारोगे ना यार ये उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अपने साथियों को बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक और हेलमेट मिल गया भाई, फालतू का सामान है, दूसरा कुछ नहीं है बस अब यहाँ पर। वैसे गाइस यहाँ पर ना मैं एक सस्ता सा देसी फार्म बनाने वाला हूँ, या पता नहीं उसको क्या बोले, लेकिन कुछ तो बनाऊंगा। चल बे लंबू आ जा, इसका यहाँ पर आके मस्त आराम से मारेंगे। अबे अबे कहाँ पे भाग रहा है, बाहर क्यों भाग रहा है, यहाँ पर आना। अबे किधर गया, किधर? ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई 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 साले ज्यादा 1.5 साड़ा बन रहा है क्या? मेरे ख्याल से इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। अभी परफेक्ट है, यहाँ पर अभी काफी सारे एंडर ड्रैगन को मारे गए, एंडरमैन को मारे गए। वैसे गाइस एंडर पल ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे हम डायरेक्टली कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यार यहाँ पर कुछ अलग टाइप का बनाना चाहिए, ये सही रहता यार। अब आ जाओ, ये बढ़िया कर रहा है ना वर्क। बाकी अभी नहीं यार मेरे को नहीं लगता कि एंड सिटी को लूटने का कोई भी और सेंस बनता है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ से हमें कोई और लूट भी तो नहीं मिलता ना। बाकी आगे जाने से पहले हमें काफी सारे एंडर पल चाहिए, एंड यहाँ पर तो एंडरमैन के भरमार है, तो आ जाओ सभी। सही है भाई, फ्री का फॉर्म इससे ज्यादा अच्छा वर्क नहीं कर सकता। बाकी अभी टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को मारने का, सब कुछ उल्टा सुल्टा चल रहा है भाई। वैसे गाइस एंड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए मेरे पास बो नहीं है, तो हमें ऐसे ही ऊपर जाके तोड़ना पड़ेगा यार एक एक करके। लेट्स गो यार, ये गया पहला वाला। बाकी पत्थरों को हम फिर से यूज करेंगे। बाकी एंडर पल को यार ऊपर फेंकना थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे को इससे अच्छा बो चलाना आता है। खैर ये गया एक और एंड क्रिस्टल। भाई साहब यार अभी तक ना मैं एंटर ट्रैगर को मार के भाई 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 गुस्सा मत, चलती आराम आराम से मारूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। वैसे यार शायद ही मैं किसी वीडियो के अंदर इतना ज्यादा परेशान हुआ हूंगा जितना इस वीडियो के अंदर हुआ हूँ। ओ शट भाई, अभी मर जाता। मेरे ख्याल से यार हमें थोड़ा सबर से काम लेना चाहिए, क्योंकि टाइम तो हमारे पास काफी ज्यादा है, लेकिन लाइफ तो एक ही है। ओके ये वाला भी गया। वैसे इस तरीके से चढ़ाई करना ज्यादा बेटर है यार, ऐसे एंटर ट्रैगर आपको घिरा नहीं सकता। ओके अभी फिलहाल बस मेरे को इसको मारते जाना है, ये ऊपर उड़ेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे आ जाएगा तो इसको छोड़ेगा भी तो नहीं यार। एंडरमैन्स के तो ऐसी कितने भाई 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 नीचे चलोगे, ऊपर थोड़ी जाना है। एंडर ड्रैगन से फाइट करते टाइम ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Well, let's go, अबे उड़ क्यों गया भाई? एक क्रिस्टल बचा रह गया यार, एंड उसने इसकी पूरी हेल्थ वापस से रिकवर कर दी, इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके ये गया आखिरी वाला स्पॉनर, अभी एंडर ड्रैगन की उल्टी गिनती शुरू। लेट्स गो रे बाबा। भाई साहब यार कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने एंडर पल रखी अपने पास। वैसे बिना वो के यार एंडर ड्रैगन को मैं लाइफ में पहली बार मार रहा हूँ,
कम ऑन यार, फटाफट नीचे आ जा, काम खत्म करना है मेरे को। लेट्स गो यार, अभी आखिरी बार एंडेड ड्रैगन यहाँ पर बैठा है, आज के बाद इसको बैठने लायक ना छोड़ूंगा मैं। ओके फाइनली यार, बड़ी ही आसानी से और चिंती चोरी करके हमने एंडेड ड्रैगन को मार दिया है। खैर अभी फ्री का एक्सपी कलेक्ट करेंगे, इसको क्या बेडरॉक तोड़ के निकालूंगा। यहाँ पर टॉर्च रखते है, इसको तोड़ते है, एंड ये मिला हमें एंडेड ड्रैगन का अंडा। इसको पता नहीं लोग क्यों कलेक्ट करते हैं। बाकी चलो यार, अभी टाइम है घर पे वापस जाने का। यू डिड इट, बस इतना ही था, खत्म हो गया क्या? और सामने से ज़ॉम्बीज़ देखो भाई कैसा है यार, ये सिल्वर फिश की ऐसी की तैसी। आजा आजा नीचे उतर, चल निकल पहले फुर्सत में। कैसा स्टोन हाथ में ले रहा था भाई। यहाँ से निकलना ना यार थोड़ा नहीं लेकिन बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना फ्री का एक्सपी फार्म बन गया है भाई, ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं ना मारते जा रहे हैं। वैसे हमारा चैलेंज तभी पूरा होगा जब मैं वुड को कलेक्ट करूंगा, एंड वो तभी होगा जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा यार। लेकिन ये इतने सारे है कि मेरे को जाने नहीं देंगे। वैसे गाइस मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि यहाँ पर ना यार स्पॉनर्स के अंदर से ज़ॉम्बीज़ बाहर आ रहे हैं, तो अगर मैं ये सारे स्पॉनर्स को तोड़ दूं तो फिर ये आराम से बंद हो सकते हैं। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि सामने की तरफ अगर हैंडर बॉल फेंक दूं ना तो मैं डायरेक्टली बच सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन मैं ले लूंगा भाई रिस्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहाँ पर ब्लॉक लगाने हैं एंड डन भाई। इतना ज्यादा इजी था यार ये, एंड अगर मैं चाहता ना तो ये वाले डायरेक्शन सो दो तेरी भाई स्पीड। ये बच्चा किधर से, अबे 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 भाई 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 बच्चे, अबे भाई यार माइनक्राफ्ट के अंदर भाई बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक है, खास करके ज़ॉम्बीज़ के। वैसे गाइस ये स्ट्रॉन्ग होल्ड ना हमारे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग होल्ड से थोड़ा बहुत डिफरेंट जरूर है। खैर अभी फिलहाल ना गाइस हम कुछ इस तरीके से बाहर निकलने वाले हैं, एंड अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली पोर्टल वाले रूम से भी तो ऐसे निकल सकता था ना, तो मेरे भाई नहीं निकल सकता था यार, उसके ऊपर बेडरॉक लगे थे। भाई साहब ये क्या जगह है भाई साहब, यार ये कैसी जगह है, एंड सामने भाई क्या क्या चीजें है भाई, इस दुनिया के अंदर अलग ही टाइप की लग रही है भाई ये दुनिया। ओ तेरी भाई 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 भाई, अब मेरे को अब नहीं मरना, इतना आगे आने के बाद मेरे को नहीं मरना, स्केलेटन छोड़ दे मेरे भाई। अगे यहाँ पे वो नहीं आ सकता, फटाफट अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। हाँ भाई बंद कर देते हैं, अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत सेफ हूँ। खैर यार अभी ना मैं डायरेक्टली ऊपर जाने वाला हूँ, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करूंगा यार, मेरे को इतना आगे आने के बाद मरने का कोई भी शौक नहीं है। ओके भाई साहब फाइनली यार हम माइनक्राफ्ट को रिवर्स में खेलते खेलते ओवर वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि दिन में ये दुनिया कैसी लगेगी, एंड भाई साहब क्या ही तो गजब का लग रहा है भाई ये वाला सेडर्स, भाई अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट लुक है माइनक्राफ्ट का। यार अभी तेरते तेरते किनारे पे चलते हैं यार, क्योंकि ये चैलेंज तो पूरा ही करना है, एंड लेट्स गो यार। इसी के साथ एक सेकंड ये होता है हमारा चैलेंज कंप्लीट। एंड अगर गाइस आपके पास भी ऐसे कोई भी चैलेंजेस है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने पूरे 1,00,000 ओर्स को कलेक्ट किया था, तो वो जानने के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हो।